हैं डाल लिए डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स है डाल लिए डाई सेके राइट्स। डाई सेके राइट्स में सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स की कितनी यूनिट होती हैं? टू यूनिट्स होती हैं। कंसिस्ट टू यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड। कहीं भी फंसो तुरंत पूछना है, ध्यान रखिएगा। लेंथी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, सिंपल है। कंसिडर टू यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सुक्रोज की, ठीक है? सुक्रोज की, सुक्रोज क्या है हमारी? केन शुगर है, ध्यान रखिएगा। इसका हाइड्रोलाइसिस अगर करोगे आप, जल अपघटन करोगे, तो दो कौन सी यूनिट मिलने वाली है इसे डाइसेकेराइड्स की? दोनों यूनिट पता होनी चाहिए आपको, ग्लूकोज फ्रक्टोज, ठीक है? ग्लूकोज फ्रक्टोज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ग्लूकोज कैसा होता है? डेक्सट्रो। और फ्रक्टोज कैसा होता है? लेवियो। ध्यान रखिएगा ये बात बहुत अच्छे से, ठीक है? अगर आप लैक्टोज जो कि कहलाती है मिल्क शुगर, आपको एक हम ट्रिक बता देते हैं, कहीं भी लैक्ट अगर लिखा मिल जाए आपको तो उसका मतलब होता है मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको बोलते हैं मिल्क शुगर। दिस इज कॉल्ड मिल्क शुगर। और ये क्या देता है? एक यूनिट ग्लूकोज की और दूसरी यूनिट गैलेक्टोज की, ध्यान रखना, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और दोनों ही डेक्स्ट्रो हैं, ठीक है? उससे कोई इसका नहीं पूछा था इसलिए नहीं लिख रहे हैं इसका। तीसरा याद रखना है आपको माल्ट शुगर, सीरियल शुगर, अनाज की शुगर, माल्टोज, दिस इज कॉल्ड माल्ट शुगर। क्या हो रहा है? माल्ट शुगर, ध्यान रखना ये दोनों यूनिट किसकी देता है, देख लेना आप। यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा विच डाइसेकेराइड प्रोड्यूस टू यूनिट ऑफ ग्लूकोज, विच डाइसेकेराइड प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ध्यान रखिएगा सभी डाइसेकेराइड का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। ये ध्यान रखिएगा, नोट करिए इसको। यहाँ जितने भी मोनोसेकेराइड लिखे हैं हमने, जितने भी यहाँ ये मोनोसेकेराइड लिखे हैं हमने, इन सब का फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। इस चैप्टर से दो तीन ऑब्जेक्टिव आने हैं कम से कम आपके, देख लेना। कार्बोहाइड्रेट से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, एक विटामिन से भी 100% आएगा। बड़े नंबर में इसमें क्या है? तीन ही नंबर है बड़ा, और क्या है बेटा? इस तीन से चार है फिर बड़ा, तो चार से तो चार का तो इससे नहीं आएगा, तीन का आ सकता है। इस चैप्टर को कम से कम वो पांच नंबर तो देंगे जहां तक हमारा अंदाजा है, पांच नंबर निकालेंगे इससे। वो पांच कैसे निकालते हैं वो उनकी इच्छा है, ठीक है? डाली है डी सुक्रोज, केन शुगर। डाइसेकेराइड हमने पढ़े, अब डाइसेकेराइड में पहला डाइसेकेराइड पढ़ने जा रहे हैं सुक्रोज। अब डाइसेकेराइड की स्ट्रक्चर आ सकती है आपके एग्जाम में, ठीक है ना? सुक्रोज और माल्टोज इनकी आ सकती है, ठीक है? तो डालिए सबसे पहले हेडिंग 111 डिग्री का
और इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो है वो है 52.5 डिग्री का होता है तीनों। तो देखिए आपको इतना भी ध्यान रखना है, अगर आपने इतना भी ध्यान रख लिया तो म्यूचुअल रोटेशन करना, जो ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज हो रहा है इक्विलिब्रियम तक ग्लूकोज का, वही क्या कहलाता है म्यूटर। द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ग्लूकोज या कोई भी कंपाउंड हो, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोल दो आप, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड टिल इक्विलिब्रियम, दैट इज कॉल्ड म्यूटर रोटेशन। फिर इसमें सिर्फ इतना बोल देना है हमें, द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज फ्रॉम 111 डिग्री डिक्रीजेड टू 52.5 डिग्री, साफ दिख रहा है घट रहा है। वाइल इन केस ऑफ बीटा ग्लूकोज इंक्रीजेज फ्रॉम 19.2 डिग्री टू 52.5 डिग्री, और ये खत्म। और ये डेटा, ये रोटेशन जरूर, और ऐसा नहीं कि 19 ना लिखाना, प्लस जरूर लगाना। ये मैथ नहीं है कि 19 मतलब प्लस अज्यूम कर लिया जाएगा, ये केमिस्ट्री है, यहाँ आपको शो करना पड़ेगा प्लस। तो ये लगा, ये हो गया आपका म्यूटा रोटेशन। अब हम बात करते हैं सुक्रोज में, ठीक है, इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं हम, C12H22O11, ठीक है। इसका हाइड्रेटेड फॉर्म अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं C12H2O11, जिसका हाइड्रेटेड फॉर्म हो गया। हो सकता है आपको फंसाने के लिए बेटा कुछ भी कर सकता है, लिख दे फाइंड डाइसैकेराइड और ऐसा कहीं लिखा हो आपको, आप ढूंढ रहे 12x11 मिल नहीं रहा। देखिए परीक्षा का मतलब एक्चुअली में होता है कि बच्चे के दिमाग का परीक्षण कर रहे हैं कि उसमें कितनी स्टेबिलिटी है। तो एक ही प्रश्न का आंसर आपको शायद पता हो, और सही में नस फेल होती है पेपर, आप लोग की नहीं होगी अभी क्योंकि 12th है, लेकिन जब ऐसे एग्जाम में जाओगे जिसमें आपकी जॉब लगनी हो या नहीं लगनी हो, उसमें नस जरूर फेल होती है। हम टेट का एग्जाम देने गए थे, 2-3 बार हमारे इस प्रकार से हमारे साथ हुआ था कि हम पैनिक क्रिएट कर गए थे। जहाँ पैनिक क्रिएट होता है ना, वहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके दिमाग में, ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था, सही नहीं हो, और अगर रिलैक्स होकर सोचोगे तो फिर नहीं होते हैं आपके। चलिए तो डालिए हेडिंग, हेडिंग सुक्रोज में पहली हेडिंग है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनवर्ट सुगर एंड इन्वर्जन, आ सकता है 3 नंबर में इन्वर्जन। और इतना सिंपल है जितनी ABCD, और ना हो इतना सिंपल तो बताना हमें, अगर एक भी आपको लगे कि ABCD से ज़्यादा कठिन है तो। इन्वर्ट सुगर एंड इन्वर्जन, देखो ध्यान से इन्वर्ट सुगर और इन्वर्जन देखो आप लोग, हम आपको खाली समझा के देंगे तो आप एग्जाम में लिखाओगे। देखिए जे है सुक्रोज C12H22O11, ध्यान रखना सुक्रोज जो होती है, सुक्रोज जो होती है वो डेस्टो रोटेटरी है, मतलब कैसी होती है डी, और कैसी होती है प्लस डी। इसका जो डेस्टो रोटेशन होता है, इसका जो डेस्टो रोटेशन होता है वो होता है प्लस, अब ये डेटा तो याद करना पड़ेगा, 66.5 डिग्री, एक्चुअली में होता है 66.4 डिग्री, ठीक है। हम 5 क्यों लिख रहे हैं वो आपको आगे बता देंगे, आपको ये रोटेशन हमें डेटा याद कराना है इसका, इसलिए ठीक है ना। ये होता है सुक्रोज, सुक्रोज का जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, सुक्रोज का जल अपघटन करोगे हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना, एसिड की प्रेजेंस में भी हो जाता है हाइड्रोलाइसिस, एसिड की प्रेजेंस में भी हो जाता है, एंजाइम की प्रेजेंस में भी हो जाता है। अब एंजाइम का नाम क्या है वो थोड़ी देर में बताते हैं। तो ये हाइड्रोजन लेगा तो क्या बनाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये एक यूनिट किसकी है, ग्लूकोज की है, और एक यूनिट किसकी है, फ्रक्टोज की है। सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज होगा 24, 6-6 कार्बन दे दिए, 12-12 हाइड्रोजन दे दिए, 11-11 6-6 ऑक्सीजन दे दिए, तो एक यूनिट ग्लूकोज की बनाता है, एक फ्रक्टोज की बनाता है। ग्लूकोज कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है ग्लूकोज। अब ये कौन वाला ग्लूकोज बना है, ओपन चेन वाला, ध्यान रखिएगा ओपन चेन वाला ग्लूकोज है ना। और इसका कितना होता है रोटेशन जल्दी बताओ, कल ही लिखवाया है,
जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होता है ना वो ओपन चेन का होता है, ध्यान रखिए अल्फा बीटा, और जो इक्विलिब्रियम होता है लिख लो चाहे दिक्कत आ रही है, तो जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है वो ओपन चेन का है, ओपन चेन का। तो बता दो अब हैं कितना 150 की 50, गजलत 52.5 डिग्री। कैसे कर रहे हो भाई आप लोग, हाँ कैसे कर रहे हो, अल्फा बीटा और ये इक्विलियम मिक्सचर, ए है 111 डिग्री, जे है 19.2 डिग्री, जे है 52.5 डिग्री, क्यों बिट्टू? सर 55.2 नहीं 52.5 डिग्री, 55 तुमने कब लिख लिया? मान के रहोगे कि रिकॉर्डिंग में कंफ्यूजन क्रिएट करोगे? 52.5, हाँ ठीक अभी लिख लो 52.5, हर तुम भी अपना सही करो। तो ये 52.5 डिग्री होता है, क्या सही लिख दिया हमने? प्लस साइन लगाना पड़ेगा, हम बता रहे हैं मैथ नहीं है कि एक मतलब प्लस एक, ये केमिस्ट्री है इसमें बताना पड़ेगा आपको, ठीक है? केमिस्ट्री वालों को मैथ नहीं आती है, उनको बताना पड़ेगा आपको कि प्लस है, ठीक है? और ए ध्यान से देना है, फ्रक्टोज होता है एल माइनस, पता है? और इसका रोटेशन याद करना पड़ेगा, ए होता है इसका रोटेशन, इसका रोटेशन होता है, इसका रोटेशन होता है माइनस 92.4 डिग्री, लेकिन आपको हम 5 डिग्री लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, 92.5 डिग्री। अब देखो हमने आपको ट्रिक एक ए बनाई है कि आपको याद कैसे हो जाए सबके रोटेशन, 52.92 तो याद कर लोगे, 52.92 अब नहीं भूलना चाहिए, 0.5 लगा दो खत्म बात, 52.5 लगा दो, इसका ये नंबर याद कर लो 66, तो सब में कितना लगा देना है 0.5 डिग्री लगा देना है, टेंशन खत्म। तो ये दोनों याद हो जाएंगे, 52.92 खत्म, माइनस साइन जरूर लगाना, ठीक है? लो भैया इन्वर्जन खत्म। कैसे? सुक्रोज क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटर ही है, लेकिन इसका सोल्यूशन कैसा होगा जल्दी बताओ, सोल्यूशन डेक्स्ट्रो होगा कि लीबी होगा, कैसे? देखिए सुक्रोज इज डेस्ट्रो रोटेटरी बट इट्स मिक्सचर इज लीबी रोटेटरी, इसका कारण ये है कि इसके मिक्सचर में डेस्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज पड़ा है जिसका रोटेशन कितना है प्लस 52.5 डिग्री, और लीबी रोटेटरी क्या पड़ा हुआ है फ्रक्टोज जिसका रोटेशन कितना है माइनस 92.5 डिग्री। डोमिनेंट कौन कर जाएगा? ये मैथ की माइनस नहीं है, ये रोटेशन की माइनस है, ये ना कहते ना कि माइनस में तो छोटी वैल्यू है, ध्यान रखना ये एंगल है कि ये माइनस 92 बाई तरफ की तरफ इतने एंगल से मुड़ रहा है, ये एंगल लिखा हुआ है, तो ये इतने एंगल से मुड़ रहा है और इतने एंगल से मुड़ रहा है, तो इसका 52.5 इसके 52.5 ने कैंसिल कर दिया, अब क्या बचेगा? लीबी ही तो बचेगा, फाइनली क्या बचेगा? लीबी। तो हम कह रहे हैं कि आप देखोगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी सुक्रोज का जो ओवरऑल सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा? लीबी रोटेटरी। क्लॉकवाइज रोटेशन जो सुक्रोज का है उसका ओवरऑल रोटेशन कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक जब हम गए तो इन्वर्जन हो गया ना रोटेशन में, ये रोटेशन क्लॉकवाइज और ये एंटीक्लॉकवाइज, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केनसुगर या इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। और इसके लिए जो एंजाइम लगता है उसका नाम भी यहीं से आ चुका है, एंजाइम के नाम में एज लगता है ध्यान रखिएगा, तो इसका नाम आ गया इन्वर्टेज, इसीलिए आया है, ठीक है? तो ये जो मिक्सचर है दिस इज अ इन्वर्ट सुगर, इन्वर्टेज का ईस्ट, इन्वर्ट सुगर प्रोडक्ट लिखो, हाँ नहीं लिख के जाना है, अरे अभी लैंग्वेज लिख के जाना है, चलिए लिखिए लैंग्वेज। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये एंगल जरूर याद होने चाहिए, ठीक है? सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
but on hydrolysis, hydrolysis जल के द्वारा तोड़ने की प्रोसेस, जल अपघटन, लाइसिस मतलब तोड़ना, ठीक है. बट ऑन हाइड्रोलाइसिस इट प्रोड्यूसेस वन यूनिट ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी वन यूनिट ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज एंड वन यूनिट ऑफ लीबियो रोटेटरी फ्रक्टोज फुल स्टॉप लगाओ. लाइन चेंज करके लिखो. द लीबियो की स्पेलिंग सही लिखना, शायद हमने एक आध बार पहले गलत लिख दी, इसको चेक कर लेना. LEABO होता लीबियो. द लीबियो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज, लाइन चेंज करके लिखिए. द लीबियो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज एज अ रिजल्ट ओवरऑल सॉल्यूशन बिकम्स लीबियो रोटेटरी. ठीक है, इसी के आगे लिखो. This change in rotation rotation this change in rotation from dextro rotatory sucrose this change in rotation dextro rotatory sucrose It's called inversion of sucrose.
एंड आवाज नहीं एंड मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज इज कॉल्ड इनवर्ट सुगर प्रोडक्ट सुक्रोज इज बट ऑन हाइड्रोलाइसिस इट प्रोड्यूज 1 यूनिट ऑफ डेक्सट्रो रोटेटरी एंड 1 यूनिट ऑफ लीवियो रोटेटरी फ्रक्टोज द लीवियो रोटेशन ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन डेक्सट्रो रोटेशन ऑफ एज अ रिजल्ट ओवरऑल सोल्यूशन बिकम्स लीवियो रोटेटरी दिस Change in rotation from dextrorotatory sucrose to levorotatory invert sugar mixture या invert sugar product. This change in rotation from dextrorotatory sucrose to levorotatory invert sugar product is called inversion of sugar. इसको हम क्या बोलते हैं inversion of sugar बोलते हैं And mixture of glucose and fructose. कॉल्ड इन्वर्ट सुगर प्रोडक्ट बन जाएगा अच्छे से बिल्कुल सिंपल है आपको वहाँ देखने की जरूरत भी नहीं है इन्वर्जन ऑफ सुगर है ना सुक्रोज का लिखवाया था चल इटाली हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज और केन सुगर स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज और केन सुगर स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज और केन सुगर सुगर केन से मिलती है दैट्स व्हाई कॉल्ड केन सुगर देखिए यहाँ ध्यान से देखिए तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बननी है सुक्रोज 12, 22, 11 ये होता है सुक्रोज हमारा सुक्रोज ये हाइड्रोलाइज होगा इसको हाइड्रोलाइज करना है आप एसिड की प्रेजेंस में भी कर सकते हो या सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है इन्वर्ट अब तो भूलना नहीं चाहिए इन्वर्जन होता है इसमें तो देखा है ग्लूकोज 6, 12, 6 और एक यूनिट और देगा 6, 12, 6 ये यूनिट किसकी है ग्लूकोज की है और ये यूनिट किसकी है फ्रक्टोज की है अच्छा पहले इस तरफ से ऐसा देखते हैं हम कि जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं हम तो एक वाटर इसमें आके जुड़ता है तो ये 24 हो जाते हैं तो 6-6 कार्बन चले गए 24 हाइड्रोजन से 12 हाइड्रोजन चले गए 11 और 1 ऑक्सीजन 12 6-6 ऑक्सीजन चले गए एक यूनिट बनी ग्लूकोज की और एक यूनिट बनी फ्रक्टोज की अब उल्टा देखते हैं अगर ग्लूकोज और फ्रक्टोज जुड़ेंगे तो क्या बनेगा तो पहली बात यहाँ से क्लियर होती है कि सुक्रोज की स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें किसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की दूसरा चीज़ जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे थे तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ रहे थे तो यहाँ से यहाँ आएंगे जब तो एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो दूसरी बात हमें एक क्लियर हुई कि जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या निकालेंगे एक यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालेंगे और आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना देंगे सुक्रोज अब दिक्कत यहाँ पर ये है कि ग्लूकोज भी हमने दो फॉर्म में देखा है एक अल्फा फॉर्म में दूसरा बीटा फॉर्म में फ्रक्टोज भी हमने दो फॉर्म में देखा एक अल्फा फॉर्म में तो बीटा फॉर्म में तो एक कौन सा ग्लूकोज है और एक कौन सा फ्रक्टोज है ध्यान देखिए अल्फा ओएच कहाँ आने वाला है नीचे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है ना हमें इसको बताने की ज़रूरत है ठीक है ना तो ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म लगने वाला है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज लगने वाला है ध्यान रखिएगा
तो ग्लूकोज का अल्फा डी प्लस फॉर्म लगने वाला है, तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज लगने वाला है। फ्रक्टोज का ही डी फॉर्म लेना है, समझ में आ रही है कौन सा फॉर्म लेना, डी। लेकिन फ्रक्टोज का डी फॉर्म तो लेना है, लेकिन बीटा लेना है, क्या लेना है, बीटा लेना है, डी फॉर्म लेना है। बताओ ये कैसा होता है, माइनस होता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, रोटेशन है तो फ्रक्टोज। तो चलिए बस इतना लिख लो और स्ट्रक्चर ख़त्म, लिखिए इतना। ऐड किया उल्टे में तो वो होगा किस में, हाइड्रोलाइसिस थोड़ी हुआ है ऐड, मतलब कि ऐसा हो जाता सी ट्वेल्व एट ट्वेंटी टू ओ एलेवन इन टू एट टू जे ऐड। आप चेक करो तोड़ा कि नहीं इसको, चेक करो उसने सुक्रोज को तोड़ा, वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो रहे हैं, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल सीधे सीधे तो ऐड नहीं हो रहे ना, एट टू ओ दिख रहा आपको वो वाटर है, वाटर ने इसको तोड़ के उसमें चला गया, तो ये हाइड्रोलाइसिस। अगर जैसे सी यू एस ओ फोर हो और सी यू एस ओ फोर फाइव एट टू ओ हो जाए, जुड़े जाए, जैसे हमने कहा ये सी बारह एच बाईस ओ ग्यारह ही होता और एट टू ओ जुड़ जाता, तब बोलते हम इसको ये हाइड्रेशन हुआ है, लेकिन ये इसको तोड़ रहा है तो इसको हाइड्रोलाइसिस बोलेंगे हम, तोड़ना मतलब हाइड्रोलाइसिस। तो अब हम सुक्रोज की स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, हाँ किसको ये बिल्कुल स्ट्रक्चर से समझा रहे हैं हम आपको, अभी स्ट्रक्चर से समझा रहे हैं, एक एक तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि अल्फा क्यों लिया बीटा क्यों लिया, या ये अल्फा बीटा फॉर्म में क्यों जुड़ते हैं, प्रकृति ने ऐसा इनको क्यों अरेंज किया, नहीं तो ये अरेंज ही नहीं हो रहे थे, देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो सुक्रोज की स्ट्रक्चर बनानी है हमें, और आपको हमने एक चीज़ बताया था कि सुक्रोज कौन सी शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग, वो भी यहीं से पता चलेगा कि आखिरकार वो नॉन रिड्यूसिंग क्यों होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें एक यूनिट चाहिए अल्फा ग्लूकोज की, तो सबसे पहले हम एक यूनिट बना लेते हैं अल्फा ग्लूकोज की, ठीक है, जी अल्फा ग्लूकोज कर लें, बताओ एच कहाँ नीचे, जे एक यूनिट हमने अल्फा ग्लूकोज की बना ली, जे 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 इस वाली टेंशन को सबसे पहले ख़त्म कर दें, सी एच टू ओ एच एच, थर्ड कार्बन की ख़त्म कर दें टेंशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एच ओ एच, बाकी सब पता ही है हमें, एच ओ एच एच ओ एच। पहला क्वेश्चन हमारा इसमें फर्स्ट कार्बन कौन है, ए, ठीक है, और आप बताइए ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप किस कार्बन पे होता है, हाँ फर्स्ट में नहीं होता बेटा, सबसे ऊपर होता है ना, फर्स्ट कार्बन पे होता है। देखेंगे ए पॉइंट ब्लॉक हो रहा है क्या, चेक करेंगे, तो ए हमने लिया, ए क्या है, ए क्या लिया हमने, बताओ इसका नाम अल्फा है, कैसे पता चला, ओ एच कहाँ है, नीचे है, डी फॉर्म हमें लास्ट वाले से पता होता है डी, डेक्सट्रोरोटेटरी है, ये तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया, अल्फा डी ग्लूकोज लिया तो है लेकिन किस फॉर्म में लिया, पाइनोज, तो इसका नाम क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज या ग्लूको, जो आप लिखना चाहो दोनों ही राइट है, वहाँ हमने ग्लूकोज लिख दिया था, अब हम ग्लूको करके लिख दे रहे हैं, या ग्लूकोज ही लिख देते हैं, चलिए अल्फा डी ग्लूकोज पाइरेनोज, ठीक है पाइरेनोज। तो चलो भैया ग्लूकोज तो आके खड़ा हो गया जुड़ने के लिए, अल्फा एक यूनिट हमें अल्फा वाले ग्लूकोज की लेनी थी, ले ली हमने, दूसरी यूनिट किसकी लेनी है, फ्रक्टोज की लेनी है, ये कितने मेंबर रिंग है, सिक्स, फाइव कार्बन, वन टू थ्री फोर फाइव, रिंग में फाइव है, एक बाहर है ध्यान रखना, फाइव कार्बन और ये वन ऑक्सीजन, और फ्रक्टोज कितने मेंबर रिंग है, फाइव, जिसमें चार क्या हैं कार्बन है और दो क्या हैं, सॉरी एक क्या है ऑक्सीजन। सबसे पहले हम इसका बीटा फॉर्म बना लें, बताइए ओ एच कहाँ आएगा, ऊपर आएगा और नीचे आया जाएगा सी एच टू ओ एच, बताओ ये कौन से नंबर का कार्बन है, सेकेंड नंबर का कार्बन है, बताइए कीटो ग्रुप फ्रक्टोज में किस कार्बन पे होता है, देखते हैं क्या इसका वन और इसका टू ब्लॉक होता है क्या, चेक करेंगे, बाकी नंबर तीन नंबर का कार्बन पकड़ो, वन टू थ्री, तीसरे नंबर के कार्बन में ओ एच कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ओ एच ऊपर, और एच कहाँ आएगा नीचे, अब तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन इस वाले को ध्यान रखना है, ऊपर क्या होगा सी एच टू ओ एच और नीचे क्या आ जाएगा, क्लियर है बात, यहाँ पर क्या बचा आपका ए, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, चलिए इतना बना लीजिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इतना बनाइए फर्स्ट,
अब देखते हैं भैया हमारा सुक्रोज बनता है कि नहीं। ठीक है, ये हाईलाइट पॉइंट है, दिस इज अल्फा फॉर्म, ये इसका बीटा फॉर्म, ये अल्फा फॉर्म है, ये बीटा फॉर्म है, इसका भी नाम लिखना चाहेंगे हम। देखिए बीटा लिया है, बीटा तो बीटा डी फॉर्म, डी रोटेशन इसका नेगेटिव होता है, अल्फा डी। ठीक है, फ्रैक्टोज लिया है, फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज लिया है, फ्रैक्टोज किस फॉर्म में लिया है, फ्यूरेनोज, फ्रैक्टोज फ्यूरेनोज। तो ये इसका नाम हो गया, बीटा डी, डी पहले बता चुके हैं क्यों, रोटेशन तो रटना है, इसका लिबियो होता है माइनस, फ्रैक्टोज फ्यूरेनोज जिसका नाम हो गया। उल्टा देख रहे हैं हम वहां से यहां। ठीक है, हमने देखा था सुक्रोज जब टूटा था, हाइड्रोलाइज हुआ तो एक ग्लूकोज बना था और एक फ्रेक्टोज, वो ग्लूकोज कौन बनता है, जे वाला अल्फा डी ग्लूकोज पाइरनोज, और फ्रेक्टोज कौन सा बनता है, बीटा डी माइनस फ्रेक्टोज फ्यूरेनोज, ये बनता है। अब हमें इससे सुक्रोज बनाना है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। इतनी बन गई क्या, बनाओ इतना, हाँ CH2, हाँ H2O, नहीं क्यों C भी लिखना पड़ेगा, C नहीं, नहीं नहीं, तो फिर हमारी राइटिंग मिस्टेक है, CH2H लिखना पड़ेगा पूरा, ये बॉन्ड नोटेशन थोड़ी चल रहे हैं कि हम ऐसी लाइन बना दें सबको कार्बन, नहीं CH2OH लिखना है बेटा, पूरा CH2OH लिखना है, सही करो उसको अगर ऐसा लिखवाया है हमने कुछ तो। देखो जे है ग्लूकोज, जे है फ्रक्टोज, और ग्लूकोज फ्रक्टोज जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, सुक्रोज। उल्टा देख रहे हैं, जब ये बने थे तो इनने एक वाटर अपने में जोड़ा था, और जब ये जुड़ेंगे तो एक वाटर निकालेंगे। देखो ध्यान से, यहाँ से निकल, कहीं से भी कुछ निकाल दो उससे कोई दिक्कत नहीं, H2O निकालना है वाटर, तो हमने यहाँ से निकाल दिया OH, ये निकाल दिया OH, और यहाँ से क्या निकाल दिया H, तो ये क्या निकल गया H। हमारा चित्र तो यहीं खत्म हो गया, हमें बस डंडी को पकड़ के इसमें जोड़ देना है, ए डंडी, तो ए बन गया क्या आपका सुक्रोज, ये सुक्रोज बन चुका है, जे H2O निकल गया और ए बॉन्ड। अब यहाँ से एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखो ये OH पूरा निकल गया और H पूरा निकल गया, और ये जे वाला बॉन्ड इससे आके जुड़ जाएगा, तो इसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, सुक्रोज बनेगा। अब सबसे बड़ी बात, ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों कहा जाता है इसे, वन पहले कार्बन पे क्या है एल्डिहाइड ग्रुप, और इसके दूसरे कार्बन पे कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप। अगर ये फिर से अगर टूटता तो यहाँ से CHO ग्रुप आ जाता वापस, और ये टूटता तो यहाँ से फिर से कौन सा कीटो ग्रुप वापस आ जाता, लेकिन अब ये टूट ही नहीं सकता क्योंकि इसके फर्स्ट कार्बन से और इसके सेकंड कार्बन से जहाँ एल्डिहाइड ग्रुप होता है जहाँ कीटो ग्रुप है उससे आके क्या बनाने वाले हैं, एक बॉन्ड, तो ये ग्रुप क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। और आप जानते हो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी किसके कारण होती है, इनके CHO ग्रुप एंड कीटो ग्रुप। तो सुक्रोज में क्योंकि ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप ब्लॉक हो जाता है फर्स्ट कार्बन पे जो होता है, और एंड फ्रक्टोज का कौन सा ग्रुप ब्लॉक हो जाता है, कीटो, जो कि किस कार्बन पे होता है, सेकेंड, इसलिए टॉलरेंस रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करते हैं। तो देखिए हमारी स्ट्रक्चर तो पूरी बन चुकी है, लेकिन आप लोगों के लिए हम दोबारा बना देते हैं, यहाँ पर देखिए तो क्या हुआ है, बना लीजिए आप लोग, कोई कुछ नहीं करना है, यहाँ से और यहाँ से ऑक्सीजन को जोड़ भेज देना है। तो देखिए पूरा आगे पीछे का वही, आगे पीछे का वही, पूरा आगे पीछे का वही बनाना है, जी, और इस वाले पॉइंट पे, और इस वाले पॉइंट पे कौन सी लिंकेज आ गई, ऑक्साइड लिंकेज, यही चेंजिंग आई है, कौन सी लिंकेज आ चुकी है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा ना, तो ऑक्सीजन, दिस इज अ सुक्रोज, यह है आपकी सुक्रोज है।
दिस इज सुक्रोज, ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट। बनाइए फर्स्ट, दिस इज सुक्रोज, यह आपकी सुक्रोज है। ये वाली यूनिट कहाँ से आई है? अल्फा डी प्लस 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 ग्लूकोज पायरेनोज से आई है, पायरेनोज से है। बताओ रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है? इसमें नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि पहला ग्रुप क्या हो चुका है? पहला कार्बन ब्लॉक हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा ये नॉन रिड्यूसिंग है। यहाँ पर नॉन रिड्यूसिंग, ए वाली यूनिट कहाँ से आई है? बीटा डी माइनस फ्रक्टोज फ्यूरेनोज, फ्रक्टोज फ्यूरेनोज, फ्रक्टोज फ्यूरेनोज। बताइए रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग? नॉन रिड्यूसिंग है, तो पूरा सुक्रोज कैसा हो जाएगा? ध्यान रखिएगा ग्लूकोज के जो मोनोमर्स हैं वो रिड्यूसिंग है, लेकिन सॉरी सुक्रोज के जो मोनोमर्स हैं वो रिड्यूसिंग है, लेकिन वो स्वयं कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग। ये बात आपका ध्यान, वो स्वयं नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन इसका सोल्यूशन रिड्यूसिंग होगा, क्योंकि सोल्यूशन में क्या देता है वो? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो ये भी नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग यूनिट, नॉन रिड्यूसिंग यूनिट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बात नहीं चाहिए बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके क्वेश्चन में कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसे कहते हैं। आपको ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दिख रहा है? दिस इज अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यह ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होगा? मोनोसेक्राइड में तो पाया नहीं जाएगा, अब दो जुड़ेंगे तो भी बनेगा, तीन जुड़ेगा तो और बनेगा, चार जुड़ेगा तो दो में दो के बाद जितने भी सैकेराइड आएंगे, डाइट्राइड टेट्रा पॉली, सब सैकेराइड में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता कैसे है? बाय एडिशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। जब मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज या ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये किसके जैसा बॉन्ड है? ये ईथर के जैसा बॉन्ड है, ईथर का फॉर्मूला आर ओ आर, ईथरल टाइप का बॉन्ड है, एक प्रकार का ऑक्साइड बॉन्ड है, फॉर्म बिटवीन यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड बाई डिहाइड्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को अच्छे से ध्यान रखना है, दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है। हो गई संरचना, तो बाकी चीज़ें इसके जो नट बोल्ट हैं बेबी और कस देते हैं हम, ठीक है, बाकी नट बोल्ट कस दीजिए इसके फास्ट, ठीक है। देख लें यहाँ पर H, यहाँ OH, थर्ड कार्बन पे OH H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ पर CH2 OH और यहाँ H, ठीक है। सेकेंड कार्बन ये हो गया, यहाँ क्या बचा? CH2 OH, देखते चलो थर्ड कार्बन पे OH कहाँ है? ऊपर H, नीचे यहाँ क्या है? H, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या है? CH2OH और यहाँ क्या है? H, दिस इज सुक्रोज, ये आपकी सुक्रोज की यूनिट हर एक चीज। अब सर एग्जाम में अगर ये आ जाए तो हम कहाँ से चालू करें? आप पूरा इसको बनाइए, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि हमारी स्पीड बहुत, इसमें भी पूरे ही नंबर मिलेंगे आपको, आप इसको अवॉइड करते हो, तो आप अगर बहुत अच्छा इंप्रेशन और आपके पास बहुत स्पीड है तो आप यहां से शुरू कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसको बनाते हो और इतना इसके बारे में लिखते हो और दो दो चार लाइन हम लिखवाने वाले वो लिखते हो तो ये भी आपके इनफ है, पूरा है। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट बना देते तो फिर आपके समझ में नहीं आने वाला था। ठीक है बेटा, हाँ उसका भी बनाना है, उसका भी बनाना है H, इसका भी बनाना है H,
ठीक, तो ये सुक्रोज है और आपसे पूछ ले सुक्रोज वाई नॉन रिड्यूसिंग, तो आपको अब ध्यान देना है कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है, जल्दी बताओ कौन से कार्बन पे होता है, C1C2, तो ये कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, C1C2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बन जाएगा बिल्कुल, बड़ा आसानी से याद रख सकते हो, जिसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर आती है उसके लिए बिल्कुल सिंपल है, बड़े आसानी से बन जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है इसमें। ठीक है, चलिए इसी के नीचे लिखिए फ्रॉम अबव, हाँ ठीक है, फ्रॉम अबव स्ट्रक्चर इट इज क्लियर दैट सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट एज देयर मोनोसैकेराइड्स, एज देयर मोनोसैकेराइड्स, कौन है इसके मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, एज देयर मोनोसैकेराइड्स लिंक्ड, इसके बाद ऊपर लिखते हैं एज देयर मोनोसैकेराइड लिंक्ड टूगेदर एट देयर मोनोसैकेराइड्स लिंक टूगेदर बाई रिड्यूसिंग पार्ट ब्रैकेट में लिख सकते हो, ग्लूकोज का क्या है CHO और उसका कौन सा है रिड्यूसिंग पार्ट आपका C डबल बॉन्डो, है ना, ये लिख सकते हो आप ब्रैकेट में, एज दे आर मोनोसैकेराइड लिंक टुगेदर बाय रिड्यूसिंग पार्ट थ्रू ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। पढ़ लो इसको फास्ट, C1C2, फिर आगे का लिखवाते हैं, फिर इतना पढ़ो फास्ट। देखो ये लैंग्वेज कोई रटने की जरूरत थोड़ी है कि जो हमने लिखा है, आप अपने मन से लिखो कि अपनी जो लैंग्वेज आती है वैसे ही लिखो, इन सुक्रोज वन यूनिट ऑफ ग्लूकोज पायरिनोज, या पूरा लिख दो लिंक टूगेदर बाई एनोदर यूनिट ऑफ फ्रक्टोफिरिनोज बाई C1C2 कार्बन फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ग्लूकोज एड टूगेदर विथ फ्रक्टोज विथ C1 कार्बन एटम विच कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप एंड फ्रक्टोज बाई C2 कार्बन विच कंटेन कीटो ग्रुप एट देयर बोथ दीज कार्बन वन एंड टू लिंक टूगेदर बाई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड दे गेट ब्लॉक, ये क्या हो जाते हैं ब्लॉक, रिड्यूस नहीं, अपनी लैंग्वेज कोई रटने की थोड़ी है, अभी हम इसको 10 प्रकार की लैंग्वेज से लिखवा देंगे, लैंग्वेज अपनी लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, प्रिंसिपल चेंज नहीं होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि C1C2 लिंक होता है, ये नाम पता होना चाहिए कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ये पता होना चाहिए कि यहाँ रिड्यूसिंग पार्ट इसके होता है, यहाँ नॉन रिड्यूसिंग पार्ट होता है, तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो। ठीक है, जल्दी से देखो, फिर हम एक मिनट में करते हैं, पढ़ो जल्दी से उसकी स्ट्रक्चर को, और एक मिनट में बननी चाहिए इसकी स्ट्रक्चर बिना उसके फटाफट।
ठीक है। तो वो स्टार्ट हो गया ना, रीडिंग चालू। हमने मेमोरी कार्ड खा लिया कर लिया क्योंकि उसमें 70 मिनट थे, हमने कहा तुम लोग पढ़ लोगे मेमोरी कार्ड खाली हो जाएगा, खाली हो रहा है वो जाता। देखिए अब आप लोगों को ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पता चल चुका है। क्या होता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड? फॉर्म बिटवीन यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड में भी बनेगा वो, ट्राई में भी बनेगा, टेट्रा में भी बनेगा, पॉली में। डाई में एक बनेगा, ट्राई में दो बनेंगे, टेट्रा में तीन बनेंगे, ऐसे बनते जाएंगे। और पॉलीसैकेराइड्स में कई, तो आपके एग्जाम में अगर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आता है तो आप किसी की भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। सुक्रोज की हमने सिखाई दी, माल्टोज की अभी हम सिखा रहे हैं, गैलेक्टोज की भी हम सिखा रहे हैं, कोई भी बना सकते हो। लेकिन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की डिफाइन कैसे करोगे? अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, पूछ भी लिया जाता है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, तो ईथरल बॉन्ड है। पूछ लेंगे कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसके द्वारा लिंक होता है, तो ऑक्सीजन के द्वारा लिंक होता है। सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डालिए हेडिंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या लिंकेज भी लिख सकते हो, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और लिंकेज लिखिए इसमें। द ईथरल, ईथरल मतलब ईथर के जैसा, ई आर ओ आर। द ईथरल, द ईथरल और ऑक्साइड बॉन्ड, ऑक्साइड बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड, यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। द इथरल और ऑक्साइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स। द इथरल और ऑक्साइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन ओलिगो और पॉलीसैकेराइड्स बाई इसके बाद ऊपर से लिख रहे हैं बाई रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड और लिंकेज, कॉल्ड ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड और लिंकेज, कॉल्ड ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड और लिंकेज। बन जाएगा, लिख दोगे? आपको सब इतना ध्यान रखना है कि जो बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट्स में बनता है मोनोसैकेराइड्स की बनेगा, तो मोनोसैकेराइड की यूनिट के बीच में ही। ये हो सकता है कि डाइसैकेराइड है तो मोनोसैकेराइड की यूनिट कितनी होगी? 2। ट्राई है तो 3, टेट्रा तो 4, ओलिगो तो 2 से 10। और फिर ओलिगो के बाद कौन से आते हैं हमारे? पॉलीसे। मोनोसैकेराइड में तो कभी भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड नहीं हो सकता ना, ये ध्यान रखना है। तो द ईथरल, ईथर के जैसा, या फिर ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन ओलिगो मतलब 2 से 10 वाले, और पॉलीसैकेराइड बाय रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बन जाएगा, सबको क्लियर है ये बॉन्ड? अब इस डेफिनेशन के बाद आपको एक कोई स्ट्रक्चर बना के आनी पड़ेगी, चाहे आप वो डिसाइड कर लीजिए सुक्रोज की बना लें तो आपको बताना पड़ेगा ये C1C2 है, या फिर जो हम आगे बना रहे हैं वो। डालिए नेक्स्ट हेडिंग डाइसैकेराइड में, पहला डाइसैकेराइड खत्म होता है दैट इज सुक्रोज, ठीक है। नेक्स्ट डाइसैकेराइड डालिए माल्टोज। एक चीज़ हम फिर से बता दे रहे हैं, लिंकेज पता होनी चाहिए कहाँ हो रही है, वहीं से लिंकेज करना। ये नहीं कि कहीं का भी OH निकाल दिया, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये 1 और 2, ठीक है ना।
अगर किसी बच्चे ने इस वाले स्ट्रक्चर को इसके सामने रख दिया तो फिर ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्योंकि ये OH कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर, फिर बॉन्ड बनाने इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको इसके नीचे रखा जाता है, तभी ये लिंक की जाएगी। अब देखना, जब हम आपकी माल्टोज की स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो दो यूनिट आमने सामने रखेंगे, वो क्यों, वो देखना आप। डालिए हेडिंग, नेक्स्ट डाइसैकेराइड डालिए माल्टोज। तो नेक्स्ट नंबर का डाइसैकेराइड है हमारा माल्टोज। इसकी अभी तक एक ही बार आया है और वो माल्टोज की स्ट्रक्चर ही आएगी आपकी, ठीक है। माल्टोज ऑल्सो कॉल्ड माल्ट सुगर, ठीक है, या सीरियल सुगर, अनाज की सुगर, माल्ट सुगर। देखिए फॉर्मूला C12 वही होता है H22O11। इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, जल अपघटन, वो एसिड की पेंजेंस में भी कर सकते हो, या माल्टोज को कौन करता है, कौन करता है, माल्टेज नाम का एंजाइम करता है। कहाँ से मिलता है ये बताओ कोई, कहाँ से मिलता है उन्नति माल्टेज, अदिति, नीलम, ईस्ट से, कहाँ से मिलता है, ईस्ट से, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बनाएगा, जे माल्टोज है, जे माल्टेज है, इंजाइम में क्या लगता है, ए, और ये माल्टोज है, नाम माल्टोज, इंजाइम अच्छा सॉरी, ठीक है, चलिए। इंजाइम के नाम में जनरली एज वर्ड लगता है, जैसे यूरी एज, जाइम ए, डाइस्टेज, यूर, है ना, आपके माइकोडर्मा एसिटेज, ऐसे लगते हैं। तो माल्टोज और माल्टेज, तो क्या देगा ये, बिल्कुल वही उसी टाइप की रिएक्शन है, C6H12O6, और क्या देगा, C6H12, लेकिन समझने वाली बात है कि दोनों ही यूनिट किसकी हैं, ग्लूकोज की, और दोनों ये वाले ग्लूकोज होते हैं, ध्यान रखिएगा। अल्फा डी कौन सा रोटेशन, प्लस, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होते हैं दोनों, ध्यान रखिएगा, पायरन के फॉर्म में रहेंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, नोट कर लीजिए इतना। तो अब इसके लिए हमें ये इन दोनों की स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए और ख़त्म, ग्लूकोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। चलिए तो अब क्या है? बना लेते हैं दोनों स्ट्रक्चर बड़े आराम से, लेकिन आप ध्यान रखना हर स्ट्रक्चर को बनाने का एक टेक्निकल तरीका है। जब उसकी स्ट्रक्चर बनाई थी तो एक यूनिट ऊपर रखी थी, एक नीचे, वो मजबूरी थी रखना, नहीं तो वो लिंकेज ना जाती C1 C2 की, और किसी तरीके से आप रखोगे तो लिंकेज नहीं जाएगी, या फिर बहुत खतरनाक तरीके से जाएगी तो हमें उल्टी सीधी लाइनें खींचनी पड़ेंगी। अब इसमें जो लिंकेज होनी है वो C1 और C4 कार्बन एटम के बीच में होनी है, तो दोनों यूनिट को कैसे रखना है, उसका रखने का तरीका क्या है, आमने सामने का है, आमने सामने का। देखिए तो ये हमने लिखी यहाँ पर पहली यूनिट, ये हो गई आपकी पहली यूनिट, ठीक है, और इसी के बगल में बनानी है, आप नीचे नहीं बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। टेक्निकल तरीका यह है कि आप सामने बनाओ दूसरी यूनिट, ठीक है, तभी जाके वो स्ट्रक्चर आएगी। तो चलिए स्ट्रक्चर बन चुका है हमारा, इतना करो आप लोग, आगे का कर देंगे फिर। दोनों ही लेने हैं अल्फा डी तो होते ही हैं, अभी लेने वाली बात ही नहीं है, आप कुछ और ले भी नहीं सकते, प्लस तो होते ही है, लेने वाली बात नहीं है ना। ग्लूकोज पायरेनोज दोनों ही यूनिट लेनी है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, क्योंकि पायरन के फॉर्म में, दैट्स वाई पायरेनोज। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पायरेनोज, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पायरेनोज। चलो अल्फा बनाना है तो OH कहाँ रखे, नीचे, और इसका भी OH कहाँ, नीचे,
बाकी पीछे का तो चिपकाते हुए लाना है तो ले आएंगे बाद में, ठीक है। अच्छा ये कौन सा कार्बन एटम है जल्दी बताओ, कौन सा है? C1। लेकिन ये कौन सा है? C4। वन ए है इसका, ध्यान रखिएगा ये वन नंबर का कार्बन है, ए C1 है आपका, ए C1 है। तो इसमें जो लिंकेज जानी है वो किस में जानी है? 1 और 4 के बीच में, ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रक्चर हमारा तैयार है, चलिए तो स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो चुका है। क्या निकलेगा जल्दी बताओ? H2O का मॉलिक्यूल दिख रहा है, कहाँ से निकलना है? यहाँ से कहीं से भी H हो, कहीं से भी OH निकाल दो, तो AH और AOH निकल गया, तो ये हमारा निकल गया -H2O। डिहाइड्रेशन करा दिया, डिहाइड्रेशन, और ये हमारा बन गया माल्टोज। देखिए तो इन दोनों के बीच में H2O निकल गया, ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये रख दीजिए ऑक्सीजन। दिस इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, लेकिन कौन सा? कौन सा? C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। बाकी पीछे आगे पीछे का सब आपको पता है तो चिपका दीजिए, ख़त्म हो गया इसका, ठीक है। चलिए C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब आप लोग बताना माल्टोज रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट है कि नॉन रिड्यूसिंग, जल्दी बताओ। रिड्यूसिंग है, हम लिखवा चुके हैं ना, रिड्यूसिंग है। क्यों रिड्यूसिंग है? इसके बाद कहीं ग्रुप बच रहा है क्या ओपन? अदिति बताओ क्यों ये रिड्यूसिंग है? हमने लिखवाया था ना रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में, तो सुक्रोज को नॉन रिड्यूसिंग लिखवाया था, लेकिन इसको रिड्यूसिंग क्यों? बताओ नीलम क्यों ये रिड्यूसिंग है? बिल्कुल सिंपल है, देखो देखो देखो, इसका एल्डिहाइड ग्रुप ब्लॉक हो चुका है, लेकिन इसका तो अभी भी ओपन है ना, इस वाली लिंक का अभी भी एल्डिहाइड ग्रुप ओपन है, इसलिए रिड्यूसिंग है। फर्स्ट कार्बन पे रहता है एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना। तो ये रिड्यूसिंग यूनिट है और ये नॉन रिड्यूसिंग यूनिट है, ठीक है। पहले हम इस चित्र को पूरा कर देते हैं। तो अल्फा फॉर्म लेना है, तो H कहाँ? यहाँ, और OH कहाँ? यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेकंड वाला है, तो H यहाँ, OH यहाँ, थर्ड वाले में OH कहाँ? ऊपर, और इसका बना ही दिया है, ठीक है। यहाँ क्या है? CH2OH, और यहाँ पर H, ए है जी, तो H OH, थर्ड वाले में OH ऊपर, H नीचे, फिर यहाँ पर OH और यहाँ पर H, और इसमें CH2OH और ये H। कॉपी पेस्ट है, कर दो कॉपी पेस्ट, सब कुछ कॉपी पेस्ट कर दो, जब तक हम नाम लिख देते हैं। ये कौन सी यूनिट है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की यूनिट है ना, है ना, लेकिन इसमें एल्डिहाइड ग्रुप अभी भी क्या है? खुला है, खुल सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये है रिड्यूसिंग यूनिट। दिस इज आर रिड्यूसिंग यूनिट है, ये रिड्यूसिंग यूनिट ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पायरिनोज या ग्लूको पायरिनोज भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। इसी के कारण ये टॉलेंस एजेंट को या फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर पाता है, और ये है दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग यूनिट। देखिए ना फर्स्ट कार्बन ब्लॉक हो चुका है, बड़े आराम से देखिए, तो दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग यूनिट ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पायरिनोज या ग्लूको पायरिनोज, जो आपको लिखना पसंद हो, दोनों ही नाम सही हैं।
और ये है आपकी माल्टोज की स्ट्रक्चर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, ठीक है। जे स्ट्रक्चर आप डायरेक्ट ये स्ट्रक्चर बना सकते हो, या फिर कंफ्यूजन हो तो पेंसिल से पहले बना लेना, फिर वैसे ही बगल बगल से एच ओ एच हटा के यहीं फिर बॉन्ड जोड़ देना, एक तैयार पूरी वही तो है, सिर्फ यहाँ से एक ऑक्सीजन बॉन्ड यहाँ। अगर इसको डायरेक्ट ही नहीं आती हो तो पहले पूरा बना लेना और यहाँ एच ओ एच, यहाँ एच ओ एच रख लेना, फिर बस बगल से उनको जोड़ देना। हम आप हमने यहीं चाहते यहीं चिपका देते, लेकिन हमने कहा फिर आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए हमने लाया। चलो भैया इसके बाकी नट बोल्ट लगा दूँ। देखिए फर्स्ट कार्बन है, अल्फा वाला लिया है, भूल मत जाना, एच ओ एच, ठीक है। यहाँ भी एच ओ एच, यहाँ तीसरे नंबर का कार्बन है ओ एच एच, इसका ओ एच से निकल चुका है ऊपर एच, यहाँ सी एच टू ओ एच और ये एच, कॉपी पेस्ट है पूरा। तो यहाँ एच बचा, ओ एच निकल चुका, ओ एच से यहाँ हो चुका है एच ओ एच, तीसरे पे ओ एच ऊपर एच नीचे, फिर एच ओ एच सी एच टू ओ एच। हाँ फ्रक्टोज कीटो ग्रुप के कारण, कीटो ग्रुप होता है ना उसमें, तो वो टॉलेंसीजन टेस्ट नहीं होता, लेकिन वो आपका जो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देगा, लेकिन टॉलेंस दे देगा, कीटो ग्रुप टॉलेंस तो दे देता है कीटो आपका। हाँ टॉलेंसीजन फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नॉर्मल तरीके में नहीं देता, लेकिन साइक्लिक चेन में दे देते हैं, वहाँ नहीं देता, ये बात सही है। आप वहाँ देखोगे तो कीटो टेस्ट को दोनों ही नहीं देते हैं, ठीक है ना। जैसे फेलिंग सोल्यूशन की बात करें हम, तो वो एरोमेटिक में भी नहीं देता, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी नहीं देते वो, लेकिन यहाँ पर साइक्लाइजेशन कारण ये दे देते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं पाया जाता, सही कह रहे हो आप। बन जाएगी स्ट्रक्चर, तो एक मिनट के अंदर कॉपी के पीछे बना के देखो फास्ट। ये वो स्ट्रक्चर है जो एक बार आ चुकी है, आप डायरेक्ट इसको बना सकते हो, लेकिन इसके नीचे अभी थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिखवाएंगे हम। आराम से भी बनाएं तो हमें कितना टाइम लगता है, चलो देखते हैं हम, बड़े आराम से चल रहे हैं हम, ठीक है, बड़े आराम से हम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें कितना टाइम लगता है हम देखते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। जी एच ओ एच हो गया, बुलेट ट्रेन की स्पीड। आज देखो साउंड आ रहा, लिखिए स्ट्रक्चर नीचे, फ्रॉम अबव स्ट्रक्चर इट इज क्लियर दैट फ्रॉम अबव स्ट्रक्चर From above structure, it is clear that maltose consist one unit of alpha D plus glucose, alpha D plus glucose
pyrenoid pyrenoid as a reducing part as a reducing part bracket में लिख लेना CHO at C1 CHO at C1 From above structure it is clear that maltose consists one unit of alpha D plus glucose pyranose as a reducing part आप देख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर बनाई उसमें एक यूनिट में C1 नंबर कार्बन खुला हुआ है और उसमें कौन सा ग्रुप होता है एल्डिहाइड ग्रुप एज अ रिड्यूसिंग पार्ट दस कॉमा लगा के लिखो दस इट इज अ रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट दस अब ग्लाइसोलाइडिक बॉन्ड आ जाए तो आप इस वाले का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो या उस वाले का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो एक और सोच रहे हैं हम करवा दें लैक्टोज का और आज हाँ चले जाओ फिर हम लोगों को कल समझा देंगे हम बनवा दे रहे हैं पहले लोगों को ना बनवाएं ठीक है सभी लोग जाओ लेकिन कल से जल्दी आओ ठीक है हाँ अनुज क्या बोला अभी हमने क्या बोला आप बताएं कितने बजे आना 8:10, 8:15 ठीक है ध्यान रखो और होमवर्क हमने कल नहीं भेजा था अभी तक हमने जितनी रिएक्शन भेजी है वो होमवर्क कर लिया तैयार है रीमन टीमर तुम्हें मैकेनिक समझ लेना रीमन टीमर की तुम्हें भी समझ लें तुम्हें भी और लेट आना कल तुम आयुषी